द व्लॉग गाइस। और आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी को पांडे शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग करने? जूते लेने। जूते लेने जा रहे हैं। जूती कहाँ? कालू साई मंदिर। मंदिर के बाहर तो जूते लेने जा रहे हैं। और जूते चुराने काम दिया हमने इनको। भारत भारत ये बहुत बेकार। पैसे खर्च करे हमने। ओए सरटा मेरा अपना। ये देखो हमने गाड़ी के पीछे क्या लिखवाया है। हिंदू। हिंदू नहीं हिंदू लिखवाया है बेटा। गाइस हम पहुंच गए हल्द्वानी पार्किंग पे। हमने गाड़ी पार्क कर दी है। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। वाले भी कहीं गाइस पार्किंग में अपनी धन्नो खड़ी करके ऊपर को जा रहे हैं। छमियाज मार्केट लाइन पे आ गए हैं। हम मार्केट से अंदर जा रहे हैं। I want to be star place वाले से भी star दिला दो मुझे। Guys देखिए ये हल्द्वानी की रोडें सजवाई गई हैं यहाँ पे मनीष भाई के द्वारा। मनीष भाई के भाई की शादी है ना तब यहीं से आ रही है बराबर। शादी का स्पेशल सजवाया उसको। पैसा पूरा है शहर से जवा देंगे। मेरा खर्चा खर्चा खर्च कहाँ करे समझ में नहीं आ रही। बस यार पांडा गिफ्ट कर दो ना कोई मुझे। मैं आप ये देखो सबसे प्यारा इंसान जूते पहन के आया। बाकी हम गाइस मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं जा रहा था कॉलेज। केला खिला दो। ये सब सजा रखे नवरात्रि के लिए। कार्की जी केला मांग रहे हैं। केला बनाना ये पहाड़ी वाली ना आओ ऐसे है। फोटो खींचने का फोटो खींचने कौन से पैसे लेगा? देता है भाई नैनीताल लेके। फोटो खींचने के पैसे लेगा नैनीताल में? नैनीताल में तो फोटो नहीं खींच लेंगे। एक ही बात कहते हैं अपने कपड़े लेके मैं चले जाऊंगा। तेरे को मतलब भाई मेरे अपने घर में जितने कपड़े पड़े हैं सब लेके नैनीताल में रेडी लगा लेता हूँ। फोटो खींच लो। बोरा क्या हाल है? हमारे फैन मिले थे गाइस। हमारे फैन मिले थे अभी अभी। सो एंड री हो रही है। हमने बस मात्र जूते ले रहे हैं। जूते इतने लगे पड़े क्यों? अबे एक दिन के लिए पहनने चाहिए मुझे बस। अभी तो ब्राउन ले दो। व्हाइट का ब्राउन से लेंगे। व्हाइट का ब्राउन काम भी आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अभी शॉपिंग करने जरा। बंद कर ले। क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे इसमें। क्या कर रहे हो? ड्रेस चेंज कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे मॉल पे शॉपिंग कर रहे हैं। अभी अभी एक लाइव एक्सीडेंट होते होते टला है गाइस हमारे हाथों से। काले कपड़े वाला काला हो जाता है लाल हो जाता है। काले काले कपड़े लाल हो जाते हैं। गाइस काफी सही जगह जा रहे हैं। अभी हमारा ड्राइवर ये देखो करते करते प्लान बन गया थोड़ा ऊपर को हो आते हैं। मेरा था फेवरेट। पर वाला ये है उदुपी वाला। मेरे को इसका नाम आज तक पता नहीं चला सही से है क्या। ये करता क्या है? होटल है रेस्टोरेंट क्या है? होटल है ये स्टे वगैरह छोटे छोटे बच्चे स्टे कर लियो। पीछे यहाँ दिखाया ये मेरी बम चिकी चिकी बम। ये देखो ये बिकाऊ है वो इलेक्शन बिकाऊ है। काफी टाइम बाद आ रहे हैं हम के सामने। यहाँ पे गाइस अभी आगे घाट आने वाला है। श्री राम जाने की बैठे मेरे सीने में। आगे आगे घाट आने वाला है। कार्की जी का यही समर्पण कर देते हैं हम ऊपर वाले को। इससे आगे हम माफी मांग लेंगे ऊपर वाले से कि हमसे नहीं हो पाएगा नहीं झेल पा रहे हैं अब हम। ओह माय गॉड पतंजलि। ओके गाइस ये बना है उत्तराखंड का नया नया पुल। नई नई ओपनिंग हमारी यहाँ। बड़े खतरनाक डांस हुए थे यहाँ पहले तो। पहले ये पुल था यहाँ बहुत जाम लगता था। अब ये इतना बड़ा काफी सही बना रखा है। अब तो सही बन गई रोड वैसे काफी ज्यादा। नाइस पकड़ो। हम आ गए हैं यहाँ पे कार्की की नानी के घर की तरफ को जा रहे हैं। नानी पिटिया लगाएगी आज। कार्की कैसा लग रहा है नानी के वहाँ जा रहे हैं?
मुझे मेरे पैंतीस हजार मिलेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ अल्दीचौड़ क्षेत्र में जो भगवा कलर की स्कॉर्पियो थी ना, उसके पंडितों के कपड़े उतार दिए, बता तुम्हें। और जी बना रखी है जी, क्योंकि वो ढोंगी बाबा था राम की तरह, बागेश्वर में कुछ फिर कैसे लगा हरा के अमन भाई क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, दिखा दिया मैंने जो करना कर ले। फोर्ड स्प्लेंडर जो करना कर ले, जो करना कर ले, मैंने दिखा दिया। ठीक है गाइस, लड़ाई खत्म हो गई है, देर हो गई है मैं ऑन करने में कार्की जी। ठीक है गाइस, अब मैं अकेला हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, अभी देखो पसीना देख सकते हो, पहनती हूँ ना मैं, तो मैं भी एक चीज दिखाता हूँ, वहां इधर फिल्टर लगा है। मैंने पता है एक नोटिस करी, कभी भी मेरे घर में कुछ फंक्शन होता है, कुछ भी होता है ना, अभी हाल ही मेरा जन्म था तो मेरे यहाँ पर एक पिंपल आ गया था, इसका धब्बा ये भी है, अभी परसों हाल ही में शादी है मेरे वहां, ये देखो पता नहीं क्या दुश्मनी है, इससे पहले नहीं थे, इससे पहले थोड़ा क्लियर था, मतलब थोड़े बहुत दाग धब्बे पहले के हैं, तो पिंपल नहीं थे, ताजे ताजे, ये पता नहीं क्या है इसको दिक्कत, कुछ ना कुछ तो आई दिक्कत, क्या कहें हम, प्रकृति। गाइस ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, गाइस ये देखो गाइस कितने कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, वाह। लगता है मैंने अपना घर रिवील कर दिया, जगह का नाम बता के, कोई नहीं, ये देखो प्यारा मौसम, वेरी वेरी प्यारा। अब तो मैं आके दिखाता हूँ मैं डिंपल, रोडो के डिंपल, तुम भी कहोगे क्या डिंपल है, कितने प्यारे डिंपल हैं। हम तो सारे बेवड़ हैं, सरकार तो नहीं, ये बीच चौराहे पे गाड़ी खड़ी कर जाते हैं। ये देखो गाइज रोड, गाइज ये हमारा नेशनल हाईवे, हाईवे भी नहीं दिख रहा, नेशनल भी नहीं दिख रहा है, तो रोड में गड्ढे दिख रहे हैं। मैं अपने आगे सरकार से कहना चाहता हूँ, पिछले चंद 7 या 8 महीनों से हम इन गड्ढों में जिंदगी गुजार रहे हैं, हो पाए तो थोड़ा जल्दी जल्दी इनको सही करवा दो यार, क्या कह रहे। चल भाई तेरी गलती नहीं, मेरे मुंह के आगे से आया था दाफ पंजा। ये है यहाँ की सुंदरता, यहाँ के गड्ढे गाइस, वेरी वेरी प्यारे प्यारे गड्ढे, देखना मेरी गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, देखना यार अपना आप चलेगी है, अभी रुको भी गड्ढे आने दो तो दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, जरूरी नहीं है अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक करने के लिए एक्सयूवी 700 लो, कुछ रोड के गड्ढे भी आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आज फ्राइडे है, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था रियलिटी में फ्राइडे, पता नहीं था, आगे मार्केट देखी मुझे पता लगा फ्राइडे को ही लगती है बस, सही है। अब देखना मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी, अरे ना मोटरी साली, ये चल लगे ऑटोमेटिक है, आ,
ये देखो यहाँ से जाके रोड थोड़ी ठीक आती है। ये ये रोड ठीक है। अब मेरा ऑफिस भी आ जाए तो तुम देखो मौसम के मजे लो। फोकस बिगड़ेगा मौसम गाइस, मौसम गाइस। यहाँ से डिम्बी अगर अंदर को है, ये हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय। ये है एक, क्या ये अपनी गाड़ी तो नहीं है यार, स्प्लेंडर पता नहीं कौन लेके आया, वो बैठा लड़के अंदर। अच्छा ये भी अपना ही बंदा है, शास्त्री, शास्त्री आया, शास्त्री। हो गई गाड़ी पार्क। मैंने ब्लूटूथ की आवाज़ की, इसको थोड़ा वो करना, जो भी करना सही करना, बढ़िया करना। स्कूटी, अच्छा है भी अपनी गाड़ी है, स्कूटी भी। एक साला मेरी गाड़ी नहीं है, एक दूसरी गाड़ी भी नहीं है, बाकी सारी गाड़ियां हैं। स्प्लेंडर गाइस, चुपचाप गाइस। अरे हमारी गाड़ी भरती गाड़ी का है, क्या हो गया, क्या काटना है, क्या कह रहे हैं? यो यो हो गया। अभी भी तो मैंने कार में गड्ढे दिखाए थे ना, देखो ये होते हैं असली गड्ढे। हमने गाड़ी चेंज कर ली, हम बहुत रईस हैं, हम बहुत रिच हैं, मिनटों में गाड़ी बदलते हैं। हमारे गांव का प्रधान है ना, ये देखो ये बड़ा अच्छा होगा, ये देखो ये देखो ये देखो, देख के पता लगा सकते हैं। रोड कमेटी नवीन खोले बिगाड़े साला, ये हमारे साथ के लौंडे की रोड कमेटी। और हम ज्यादा देखो ऐसा है, बनाए दे दो रोड। ये हमारे गांव का प्रधान है ना, ये बड़ा ऊ है, ये ना करता है बस सारा खा जावत है। अगर भास्कर लोगों ने देख लिया ना, घर आके मारेंगे। जय हनुमान जी। गड्ढा गाइज, मेरे भाई को फोन हुआ तो फोन कर रहा है। चलो गाइज फोन आ रहा है, बाय बाय। हेलो, क्या कर रहे हो? बस लूडो खेल रहे हैं। अच्छा कितना कमा लिया? कमा तो कैर क्या लिया, पहले हम अमीर थे, फिर हमें अमन कार की और भरत भट्ट और नवीन खुलिया ने ये बिंजो ऐप के बारे में बताया। आज हम अमीर तो खैर क्या, गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हो गए हैं। ओह अब सच्ची बताओ कितने कमा लिए, कितनी अर्निंग हो गई? अर्निंग तो कुछ नहीं, सच्ची मुच्ची वाली, मुच्ची वाली तो खैर बताने वाली नहीं है, मतलब हो गया। अच्छा कर गया, खर्चा हो गया है। गाइस रात के 12 बज गए और मैं मालगांव स्टेशन आया, अपने मेहमानों को लेने के लिए पहुंच चुका। एक गाड़ी वहीं है आगे पीछे से, मेहमान ज़्यादा है ना। क्या हुआ, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे? तो अब मैं सुबह सीधे घर जाऊंगा। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय। नाउ वी आर गोइंग वेयर, वेयर बहुत दूर नहीं बता सकते। वैसे ये इतनी सही रोड, सही तो लाइट है, रोडों में भी लगी होती तो क्या मज़ा ही आता। जा ट्रेन खरीद लें, खड़ी है, जो उस दिन में आता यही खड़ी थी, उस दिन भी आज यही खड़ी है। नंबर देख लिया तुमने? नंबर याद तो नहीं है, भूख लग रही, मुझे नींद लग रही है। नाइस उसको देखते हैं। नाइस नाइस, बीड़ी भी रहा है, एक बंदा बीड़ी भी रहा है गाइस। ट्रेन का लोहा बेचने आ रहे हैं हम ट्रेन का लोहा बेचने आए हैं चांस नहीं समझेगा। क्या कह रहा, भरत का तो काम ही चैन स्नैचिंग है, भरत तो आए नहीं है। अच्छा अमन कार की आज गाइस एक्शन होना, आपने मिस कर दिया, आज एक्शन हो जाता गाइस, काफी बढ़िया। आज एक एक्शन छूटा बड़ा गंदा, मजा आ रहा था बहुत, दिल खुश हो जाता। आ गई ट्रेन, अरे निकले रुद्रपुर से, 15 मिनट पहुँच जाऊँगा। गाड़ी का प्रेशर बनाया भाई,
बोल लो बंदा मैं पहुंच रहा हूँ ऐसे सभी ट्रेन आने में टाइम है। हम गए थे भी रामीला देखने लाल कुआ की मानोगे नहीं एकदम मित्रजन दिखे मित्रजन दिखे गाइस सब्सक्राइबर्स मिल गए हमें हमारे अभी वीडियो देख के पहचान नहीं हम इधर आज तो इलाज शायद पहचान नहीं पाए वरना रुक जाते हैं हम दोबारा हमें रामलीला में कैसा लगा जाके गिनते 15-20 काउंटिंग अरे दूसरी जगह एकदम बेरी पड़ाओ वहाँ तो वहाँ पच्चीस थे उसके बाद 25 एक थे 6 एक थे नहीं 7 एक थे और उसके हम यहाँ आए भी यहाँ तो गिनती 15-20 होंगे सही मतलब यहाँ ज़्यादा दिखने में बेटर जहाँ का है क्योंकि सबके लिए कुर्सियाँ हैं सफाई बहुत सबके लिए कुर्सियाँ हैं वहाँ तो ग्राउंड में पालती मार के बैठ जाओ कहते हैं सीधे हो ये ये देखो पैसेंजर ट्रेन में जाने वाले इतने सारे वेटिंग लिस्ट वाले घूम के चलेंगे ना ओ बाबू के साठ दानी कहाँ से आ रहे कुत्ते ये देखो गाइस पैसेंजर गाइस एक सफाई भी कर रहा है कुछ कर रहा है कुछ तो कर रहा है चिल्ला के भाग जाते हैं फिर चिल्ला के भाग जाए चिल्ला के भाग जाए गाइस मैंने अपनी चैन अंदर डाल दी है मेरे को खबर आई है यहाँ चैन स्नेचर घूम रहे हैं क्या अमन कार के आया हो सकता है गाइस अच्छा ये देखो लालगांव में सारा दुकान है सारी बंद है कपड़े की दुकान खुली रात के 12 बजे पता नहीं कौन सा धंधा हो रहा है कपड़े का पता नहीं कपड़े कपड़ों में क्या मिला के बेच रहे हैं कपड़ों की तस्करी चल रही है मेरी गुजारिश है एक बार पक्का छापा मारे इनकम टैक्स ये पेची भर के तब बाबू आगे ब्लॉक करते हैं बंद डाली इसमें हमारे मेहमान आने लग गए हैं आ गए हैं यहाँ हमारा टीवी चल रहा है हम दो एपिसोड देख चुके हैं ऑलरेडी एक के पीछे दो बज गया इतने आ रहे हैं आप गिन नहीं पाओगे दो बज गया 9:30 की ट्रेन थी है 2 बजे आ रही है हेलो कोई और है तो फालतू में हल्ला लगा कंफर्म हुई है लग तो ऐसे दूर से हाँ तो ऐसे चिल्ला मजा पागल तेरा देखा भी इस पागल की हरकत देखी तुमने पता नहीं कौन था हेलो कर दिया चलो गाइस मिलते हैं घर जाके बाय कल आज घर जाके मैं सो गया था ब्लॉग खत्म नहीं कर पाए तो मैं सुबह रिकॉर्ड बना के ला दूंगा बुखार लग गया मुझे सो ब्लॉग को करते मेरे पर खत्म लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बाय